अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ बन रही है चर्सी कढ़ाई, जो सबको पसंद होती है। और सबसे पहले गोश्त को लहसुन अदरक में डाल के आपने कुकर कर देना है 15 मिनट्स। उसके बाद कुकर खोल के फिर यहाँ डल रहा है पानी, हाफ कप पानी डाल के, और उसके साथ आप डाल देंगे सारे टमाटर। साबित टमाटर डाल दें, सिर्फ उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो निकाल के और सारे टमाटर ऐसे ही डाल देंगे। तकरीबन 5 अदर टमाटर इसमें डले हैं और 1/2 kg गोश्त है। बस उसके बाद आप कुकर को बंद कर देंगे और 10 मिनट्स मोर आप उसको चलाएंगे। यहाँ हमारे 10 मिनट्स हो चुके थे। अब हमने खोल के कुकर को सारे जो टमाटर के छिलके हैं वो सारे आपने बाहर निकाल लेने हैं। जितने भी आपसे निकले आप सारे बाहर निकाल दें, उसके बाद जो रह जाएं वो बाकी पकने में निकल जाएंगे। यहाँ हमारे 10 मिनट्स हो गए थे जो टमाटरों को हमने दिए थे। उसके बाद अब हम इसको कर देंगे कन्वर्ट किसी भी कढ़ाई में या किसी भी पतीले में, जो आपके पास अवेलेबल हो और जो आपको आसान हो उसके अंदर आप कर देंगे कन्वर्ट। और अब यहाँ आप इसकी शक्ल देखिए, ये इसकी शक्ल आ गई है। और इसके अंदर आपको बचे हुए छिलके नज़र आ रहे हैं, वो भी आप साथ में निकाल दें और साथ साथ इसको आप मैश करते जाएँ टमाटरों को, क्योंकि सॉफ्ट हो गए होंगे तो भुनाई में अच्छे से ये पूरे जो है वो घुल जाएंगे। और यहाँ हमने कर दी हैं हरी मिर्चें ऐड, और बाकी जो टमाटर का पानी खुश्क हो रहा है तो साथ साथ चलाते रहेंगे, क्योंकि पानी खुश्क हो रहा है और टमाटर नीचे चिपक रहे हैं तो साथ साथ आप चलाते रहें और उसको हटाते रहें। बस इसके करेंगे अच्छे से भुनाएं। इसके अंदर सिर्फ नमक और हल्दी और दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चें हैं और टमाटर जो आपके सामने। और आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है कि तेल ऊपर आ जाए। आपके सामने है तैयार चर्सी कढ़ाई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है इसका। बस उसके बाद हम लोग निकले थे बाहर, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी और हमें नाश्ता भी लेना था, तो हम लोग थोड़े से निकले थे बाहर चीज़ें लेने के लिए। और तो चलिए बस चलते हैं फिर। हम लोग आए थे यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए। स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ मस्जिद के बाहर और सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से बस हम लोग सब्ज़ी ले रहे थे। और देखिए रश भी काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पर, तो अक्सर लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो सामने बाहर स्टॉल्स होते हैं, वहाँ से जो है सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं। और सब्ज़ी बहुत फ्रेश और अच्छी मिलती है। और ये दी मस्जिद, हम लोग बैक साइड आके हमने गाड़ी पार्क कर दी थी और इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही जो है सारी गाड़ियों में आए हुए हैं सब्ज़ी लेके, और बहुत अच्छी फ्रेश होती है इनकी सब्ज़ी। और यहाँ पे मस्तियाँ चल रही हैं तो बस निकलते हैं। बस अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, रास्ते से हम लोग ब्रेड वगैरह लेंगे और फिर बस घर जाएँगे, खाने करेंगे, खाने की तैयारी। तो बस हम पहुँच गए थे घर और आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।